साथियों, जमीन के नीचे की संपदा, यहां के जंगलों की समृद्धि ओडिशा की शक्ति है। ओडिशा की यही शक्ति भारत को ताकत दे रही है। लेकिन इन जंगलों में रहने वालों की पूछ नहीं, बल्कि उनके साथ लूट हुई लूट। आपके इस चौकीदार ने बरसों पुराना खनन कानून बदला, ये तय किया कि जो भी संपदा यहां से निकलती है उसका एक निश्चित हिस्सा यहां के विकास के लिए लगना चाहिए। भाइयों और बहनों, इस तरह जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बना, उसके तहत ओडिशा को 6,000 करोड़ रुपए मिले। 6,000 करोड़, इससे आपके लिए अस्पताल बनने थे ताकि आपको इलाज के लिए परेशान न होना पड़े, इससे वनवासियों की बस्तियों में शुद्ध पीने का पानी का इंतजाम होना था ताकि गंदे पानी की वजह से उनके बच्चे बीमार न पड़े, इससे स्कूल बनने थे ताकि आदिवासी अंचलों के बच्चों को शिक्षा के लिए भटकना ना पड़े। लेकिन साथियों, ये आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि यहां की बीजेडी सरकार ने 6,000 करोड़ में से सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया ही खर्च किया, बाकी पैसे पड़े हुए हैं। और आप बहुत ही छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए परेशान हो रहे हैं। जब सरकारों की नीयत ऐसी हो तो उनको बदलना जरूरी है, उनको बदलना, उनको हटाना। 20 साल आपने आंख बंद कर इन पे बहुत भरोसा कर लिया। अब ओडिशा की धरती परिवर्तन का मन बना चुकी है।